नमस्कार दोस्तों, जर्नी विद अखिल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि समझ चुका है, जो चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है, उसकी पूरी थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है। तो आज हम लोग जो है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके टीजीटी और पीजीटी में, उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ 6 से 7 क्वेश्चन है हमारे, जिनकी आप प्रैक्टिस करके खुद से भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है कि नहीं। और अगर आपने पीछे वीडियो देखी हुई है तो आई होप आपके सारे क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि x एक हमारा समुच्चय दिया गया है, सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n की वैल्यू 1, 2, 3 तक है, तब यथार्थ उपसमुच्चय जो होंगे, यानी प्रॉपर जो सबसेट होंगे वो क्या होंगे। तो हमने पिछली क्लास में देखा है कि प्रॉपर सबसेट निकालने के लिए, यथार्थ उपसमुच्चय निकालने के लिए जो हमारा फार्मूला होता था वो होता था 2n-1। सबसे पहले अगर ये जो दिया हुआ है, यहाँ से अगर हम एलिमेंट निकालना चाहें तो ए में क्या क्या व्यवहार आएगा, देखिए आपने जब 1 रखना है तो यहाँ 1 की वैल्यू 1 ही रह जाएगी, जब आप n का मान 2 रखोगे तो ये वैल्यू 4 बन जाएगी, और जब n का मान आप 3 रखोगे तो वैल्यू 9 बन जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि इसकी जो कार्डिनलिटी है, गणन संख्या है, वो कितनी आई है, 3। तो यहाँ पर हमारे n में जो अवयव है उनकी संख्या कितनी आई है, 3। तो जो हमारा यथार्थ उपसमुच्चय होता है, यानी प्रॉपर सेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सेट, इसके मैंने 2 आपको फॉर्मूले बताए, सॉरी, तो इसके हम लोगों ने 2 फॉर्मूले देखे थे। एक प्रॉपर सबसेट का और एक नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट का, जिसमें पहला हमारा जो सूत्र बनता है, यानी अगर हमें यथार्थ निकालना है, यथार्थ उपसमुच्चय, ये जितने भी क्वेश्चन है आपके सब प्रीवियस पूछे हुए क्वेश्चन है, तो इसका फार्मूला सीधे सीधे होता है 2n 2 की पावर n-1। ठीक है, कब, जब हमारा यथार्थ पूछे, यही अगर हमसे कहता कि अरिक्त निकालिए, मतलब नॉन एम्प्टी और प्रॉपर सबसेट निकालिए, अरिक्त यथार्थ उपसमुच्चय, तब वहां हमारा जो फार्मूला बनता वो बनता 2 की घात n-2। ठीक है, अब यहाँ पर आप मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 की घात n का मतलब हो गया 3 माइनस का 1, यानी हो गया आपका 8 - 1 कितना, 7। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस हमें सूत्र याद होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि a बराबर 1, 2, 3, 3 अवयव दिया है, तब घात समुच्चय का मान निकालिए। तो हम लोगों ने इसका भी पिछले लेक्चर में अच्छे से फार्मूला पढ़ रखा है कि अगर हमें घात समुच्चय की बात करें तो घात समुच्चय में जो अवयव होते हैं वो उतने ही होते हैं जिसे कितने समुच्चय में उपसमुच्चय होते हैं। किसी समुच्चय के जो उपसमुच्चय की संख्या होती है वही उसके घात समुच्चय में अवयव होते हैं। क्योंकि जब घात समुच्चय की आपने परिभाषा पढ़ी थी तो आपने कहा था कि किसी समुच्चय के पहले उपसमुच्चय बनाइए और फिर उसको उठाकर एक समुच्चय बना दीजिए, वही घात समुच्चय है। तो अगर हम सिर्फ इसके अंदर बात करें केवल पीए की, तो पीए बराबर क्या फार्मूला हमने देखा था, 2 की पावर n। तो यहां पर अगर हम ए की बात करें तो यहां पर एन का मान आपको कितना दिख रहा है, एन का मान दिख रहा है 3, अवयव कितने हैं, 3। तो यहां पर अगर हम रख दें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, यानी कितना, 8। तो पीए का मान कितना हो गया भाई, 8। लेकिन हमसे तो कहा है कि पीए का पीए निकालिए, इसका मतलब अब हमें क्या निकालना है, पीए का पीए निकालना है और इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, अंदर की 8। ठीक है, फिर से पीए का फार्मूला लगा दीजिए, तो अब हमारा जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 2 की घात n फिर से बनेगा, और इस बार हमारे पास अंदर एलिमेंट कितने हैं, 8 हो गए। तो 2 की घात 8 कितना हो जाएगा भाई, तो 2 की घात 8 कितना हो गया, 256। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सेटेड रीजन से भी बना सकते हैं, चलिए बनाकर देखते हैं। वेन डायग्राम हमने सीखा है, ये हमने मान लीजिए हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कि a में से b को हटा दीजिए, तो ये हमारा पूरा a है, इसको हम पूरे को a नाम दे रहे हैं, इसको पूरे को b। हम इस पूरे a में से ये b वाला अगर हटा दें तो हमारे पास कितना एरिया बचेगा, मैंने क्या किया है, पूरे ए में से सिर्फ बी वाला माइनस किया है, तो ये एरिया मेरा क्या बन गया, ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यूनियन करिए, ठीक है, इसका यूनियन करें किसके साथ, बी माइनस ए के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, इस बी वाले में से हम ए वाले को माइनस करेंगे, तो बी हमारा पूरा ए है, और इसमें से हम ए वाला जो माइनस करेंगे तो हमारे पास केवल ये एरिया बचेगा। ठीक है, तो ये एरिया हमारा क्या है, बी माइनस ए, और कह रहा है इसका यूनियन कर दीजिए तो कौन सा एरिया बनेगा। तो चारों ऑप्शन में हम चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन का डायग्राम बना, अब हम ऑप्शन पे आते हैं, पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं,
ये हमने ए बना दिया और ये हमने बी बना दिया। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि ए यूनियन बी लीजिए, ए यूनियन बी का मतलब तो ये पूरा पूरा हो गया आपका, ठीक है भाई। और कह रहा है उसका यूनियन ले लीजिए ए माइनस बी से, ए में से बी माइनस किया तो हमारे पास ये वाला एरिया निकल आया, ये वाला एरिया तो हमारा ए माइनस बी है, और ए यूनियन बी में तो हमने पूरा ले लिया था, और फिर उसका भी यूनियन ले लेना है, मतलब हमारे तरह से पूरी तरह से एक बात करें तो पूरा ए और बी आ रहा है, जबकि ऑप्शन में तो ये नहीं था हमारे, पहला तो कट हो गया। दूसरे पे आते हैं, कह रहा है ए यूनियन बी ले लीजिए, फिर से बना लीजिए आप, ए बनाइए और बी बनाइए, और यूनियन लेने का मतलब है पूरा पूरा आपको ए और बी ले लेना है, तभी तो वो ए यूनियन बी होगा, ठीक है। और फिर उसका यूनियन ले लीजिए ए इंटरसेक्शन बी के साथ में, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता था, जो ए बी का रीजन भी हो और बी का भी रीजन हो, मतलब ये वाला रीजन, इस रीजन का नाम है ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में है, ठीक है। और इसका कह रहा है यूनियन ले लो किसके साथ, ए यूनियन बी, जबकि ए यूनियन बी तो हमारा ये पूरा था, इसके साथ अगर हम यूनियन ले भी लेंगे तो हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा, पूरा सेट आ जाएगा, क्योंकि यूनियन क्या होता है भाई, यूनियन में हमें दोनों का लेना होता है, अगर हमारे पास दो समुच्चय दिए गए हैं और उनका यूनियन कह रहा है तो हमें दोनों को लेना है, ठीक है। चलिए तो ये ऑप्शन भी कट गया। तीसरा वाला देखते हैं, ए यूनियन बी, पहले ए बना लेते हैं बी बना लेते हैं, और ए यूनियन बी का तो मतलब फिर से वही हो गया कि पहले हमें पूरा पूरा ले लेना है, ठीक है भाई। ए यूनियन बी ले लिया हमने, फिर कह रहा है उसमें से माइनस कर दीजिए ए इंटरसेक्शन बी, और अभी हमने देखा था ए इंटरसेक्शन बी कौन सा रीजन था, ये वाला, तो ये निकला ए ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है भाई। अब कह रहा है इसको आप हटा दीजिए, माइनस करने का मतलब ये हम हटा देते हैं, तो हटा दिए भाई। अब देखिए ये इससे मैच कर रहा है, ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, ऑप्शन हो गया। फोर्थ वाला भी चेक कर लेंगे, वो नहीं निकलेगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन दिए जाए तो आप उसको वेन डायग्राम से जो आपको पहले दिया हुआ है उसको बना लीजिए और फिर आपसे बना लीजिए, एक मिनट के अंदर ही अंदर आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं।